बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आई एम शफक रायमा सर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फर्स्ट गाइस, और उसी के साथ बना हुआ नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। जी जनाब, तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम डिलीवर कर सकें। तो वीडियो है जी हमारी स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हमें प्लीज गाइड कीजिए कि यहाँ पे स्कॉलरशिप चाइना में कैसे मिलता है। तो हमने सोचा कि दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम टू शेयर जनरल प्रोसेस के कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ना स्लो स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें उन लोगों के लिए जो कि हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड आई एम ऑन CST स्कॉलरशिप। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, 4 ईयर्स का है मेरा, और यूनिवर्सिटी का नाम है हमारी नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग चाइना में है। आई एम ऑल्सो डूइंग PhD फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। लगता नहीं है। मेरा जो प्रोग्राम है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा भी 4 साल का स्कॉलरशिप है, लेकिन आई एम नॉट ऑन CSE। मुझे BGS स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर हुआ था और मैंने वही अवेल किया। हमारी वीडियो में हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं BS, MS और PhD में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए। बैचलर्स जो होता है उसके लिए यहाँ मेनली स्कॉलरशिप है जो कि यूज होता है। BGS बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होता है वही प्रोवाइड किया जाता है। मतलब BGS है अभी बीजिंग के लिए, तो शंघाई के लिए शंघाई स्कॉलरशिप्स हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज के अपने भी स्कॉलरशिप्स कुछ होते हैं और बाकी सिटीज के इंडिविजुअली भी हैं। तो मास्टर्स और जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए दोनों स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं, BGS भी और CSE भी। तो इस सारे प्रोसेस और इन सारी चीजों में मैं जरा चिट्टी अनपढ़ सी हूँ देसी जुबान में, मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेती हूँ इन चीजों में। तो ऐसा करेंगे कि मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ज्यादा आते हैं, और असद बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे तो फिर असद आंसर देते जाएंगे, और अगर कुछ रह जाए तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा था मेरा एग्जाम हो। अच्छा, सबसे पहले असद ये बताएं कि ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अप्लाई हम एनुअली करते हैं, मतलब साल में एक दफा कर सकते हैं या 2 दफा कर सकते हैं? जी ये एनुअली है, साल में एक दफा ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर इन डेट से स्टार्ट हो जाते हैं चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज के भी, चाइना में भी ये लोग तभी स्टार्ट करते हैं, और यूजुअली मार्च तक आप अप्लाई कर सकते होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी देती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है जी प्लीज कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपको जो के अप्लाई कर रहा होता है उसको ईमेल कब तक चली जाती है, कोई थोड़ा सा कन्फर्मेशन ईमेल? ओके, फर्स्ट कन्फर्मेशन ईमेल आपको आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आपको वो शॉर्टलिस्ट करके फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो वो आपको आ जाती है अराउंड 1 to 2 months के बाद, यानी कि मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में इस तरह नॉर्मली। और उसके बाद फाइनल ईमेल इन केस ऑफ CSE और BGS बोथ में मोस्टली ये होता है जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग। और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए कब आपको बुला लेते हैं? रजिस्ट्रेशन मोस्टली यहाँ पे अगस्त के आखिरी वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो जब कोई भी अप्लाई करने लगेगा तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप नॉर्मली जब भी आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने अपने लिए सुटेबल यूनिवर्सिटी ढूंढनी होगी। उसमें आप ये कर सकते हैं कि रैंकिंग्स होती हैं, QS रैंकिंग्स हैं, डिफरेंट और भी रैंकिंग्स होती हैं। आपने अगर चाइना में जिस तरह अप्लाई कर रहे हो तो आप उसकी चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हो वहाँ पे। उसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे, उसकी आप टॉप 5 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। एक चीज और मेंशन कर दूं जो कि मैं पहले भूल गया था कि रैंकिंग्स के अलावा सर्च करने का एक और क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अगर आपके माइंड में ये है कि मैंने किसी स्पेसिफिक सिटी में जाना है, फिर उसमें आप अपने डिसिप्लिन है जो भी आपका मेजर है सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप चूज। आप यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट हो गई, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर तो आप बैचलर्स के हैं BS के हैं स्टूडेंट्स तो देन यू नीड टू जस्ट अप्लाई ऑनलाइन। मोस्टली यूनिवर्सिटीज का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है तो आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के हैं या स्पेशली PhDs के हैं तो देन द बेटर थिंग टू डू इज टू सर्च फॉर सुपरवाइजर और प्रोफेसर।
आप अपना डिपार्टमेंट देखें, आप उसकी फैकल्टी सर्च करने की कोशिश करें और जो प्रोफेसर आपको सूटेबल लगता है आप उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और उसको अपनी डिटेल बताएं। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की चीज ये है कि जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं उनकी दो वेबसाइट्स होती हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक होती है इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरी आप लोगों को जैसे पता है चाइनीज, ये लोग अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते हैं और इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं। देखिए बात ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की वेबसाइट इन्होंने बनाई होती है वो बहुत ज्यादा प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होती, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग क्रोम ब्राउजर में खोलें चाइनीज वर्जन ऑफ दैट वेबसाइट और उसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, क्योंकि वहां से आपको फैकल्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली और बहुत अच्छे से मिल सकती है। सिलेक्शन हो गई हमारी। आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, अब हम लोगों ने जैसे कि स्पेशली पीएचडीज के लिए अब ये क्वेश्चन है कि आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट आप कैसे करेंगे, उससे जो वो हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होता है उसके बारे में भी बताएं और वो एक्सेप्टेंस लेने का प्रोसेस भी बताएं। फॉर पीएचडीज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करो, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड देन प्रोफेसर, एंड देन उनकी आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने उनको ईमेल करनी है, उसमें आपने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन डालना है, अपना रिसर्च बैकग्राउंड का थोड़ा सा डालना है, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो जरूर मेंशन करें, इवन वो आप अटैच भी कर सकते हैं उस ईमेल और साथ में ये भी कोशिश करें कि जिस प्रोफेसर की आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसकी रिसर्च के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन लें और उसको ईमेल में मेंशन करें कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च। एक सीवी बना के रखें जो कि आपने उसको फॉरवर्ड करनी होगी और उसके साथ एक रिसर्च प्रपोजल होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत क्रूशल है कि चाइना में सब चीज़ें अलग हैं भाई, ठीक है, दुनिया में जो चलता है वो चाइना में नहीं चलता। आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली जीमेल, यहाँ पे गूगल इज़ बैंड, सो अगर आप जीमेल वगैरह से डालेंगे ईमेल्स यहाँ पे प्रोफेसर को तो मोस्ट प्रोबेबली उनके ट्रैश में या फिर स्पैम में जाएगी। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस यूज़ होते हैं वो @QQ, यहाँ पे QQ मेल ज़्यादा यूज़ होती है, वो आईडी बना के अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनके डायरेक्टली इनबॉक्स में ईमेल्स जाएंगी, दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। कोशिश करें कि अभी मतलब जल्दी अप्लाई करें आप, yes. ये वेट ना करें कि आप जनवरी में फेब में अप्लाई करेंगे तो उस बिकॉज देखें यहाँ पे मिड जनवरी में तकरीबन यहाँ पे सेमेस्टर ऑफ हो जाएगा, ब्रेक आ जाएगी, तो प्रोफेसर्स वुड बी अवे, यहाँ पे न्यू ईयर भी होता है चाइनीज न्यू ईयर, सो इट इज बेटर कि जनवरी से पहले पहले आप अपने प्रोफेसर्स को अपनी यूनिवर्सिटीज को सॉर्ट आउट करके उनसे कॉन्टेक्ट बिल्डअप करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करने की तरफ कर लें। अच्छा जी, अब सब सब कुछ डिसाइड हो गया, अब फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मोस्टली तो ये है कि पहले ये होता था कि आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ते थे डॉक्यूमेंट्स, तो अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज का कहीं ऑनलाइन अब हो गया सबमिशन, तो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे वहाँ पे लिंक्स आ रहे होंगे फॉर अप्लाई क्लिक हियर, तो आपने वहाँ जाके अप्लाई करना है जी। अब अप्लाई करना जब आप लगते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी होती है और अपने सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो नाउ कम्स अ बिग क्वेश्चन कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, बिग क्वेश्चन एंड बिग टास्क जी। अब आप लोग कॉपी पेंसिल उठा लें तो जी सबसे पहले आपके आएंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके मैट्रिक से स्टार्ट हो जाते हैं, मैट्रिक, FSC, फिर अगर BS है, MS है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो अटेस्ट होंगे। मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं जी पाकिस्तान में IBCC से, तो अगर तो आपके फेडरल बोर्ड से है तो आप लोग डायरेक्ट IBCC जा सकते हैं और वहाँ पे अटेस्ट करवा सकते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, वहाँ आपको जाना होता है, लेकिन बेसिकली ये है कि आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी रखें अपने पास, पिक्चर रखें, तो बेसिक चीजें है ना आप लोगों ने अपने साथ रखनी ही रखनी। तो ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आप लोग ऐसा करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और आईडी कार्ड की 5-10 कॉपीज और पिक्चर्स तो मैं कहता हूँ 20 या 40 इकट्ठी बनवा लें, पिक्चर्स तो बना लें, ठीक है, तो ये बड़ा ही इजी रहेगा आप लोगों के लिए। IBCC का ऑफिस है इस्लामाबाद में, इजी रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे आप जाके करा सकते हैं। अगर आप बाकी बोर्ड से हैं तो फिर आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को कॉन्टेक्ट करेंगे अपने सिटी में और वो लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट होने में, वहां से टेस्ट होकर आ जाएंगे। मैट्रिक और FSC के जब आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा जी HSC का। HSC से आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होंगे, ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने कर दिया, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेंगे और उस दिन जाएंगे और वहां पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेंगे। IBCC से वो चेक करेंगे, अगर आपके अटेस्टेड हैं तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। मोस्टली जगहों पर आपको सिर्फ डिग्री करवानी होती है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट भी करवा लें। 3 साल पहले 800 पर डॉक्यूमेंट होता था अटेस्टेशन का वहां पे,
तो आई डोंट नो आप कितना होगा, वेबसाइट पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, हम डाल सकेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम ऐड कर देंगे। दूसरी चीज है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, एक फॉर्म है चाइना का, उसका भी लिंक हम डाल देंगे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, तो वो फॉर्म आप प्रिंट करवाएं और आप किसी भी अपने जो सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके फिल करवा सकते हैं, स्टैम्प करवा के उसको स्कैन करवा लें और वो आप अपलोड कर सकेंगे। पासपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपको चाहिए होगी यूनिवर्सिटी के लिए भी, डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने स्कैन फॉर्म में रखे स्कैन कर लें। इन चीजों के साथ आप अप्लाई कर सकेंगे जो यूनिवर्सिटीज में, वहां पे कहीं कहीं पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, अगर यूरोप साइड पे या कहीं पे आप अप्लाई करें तो वो लोग आईएलटीएस वगैरह कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए क्योंकि जो यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, yes. अगर आपने किसी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में जाना है तो yes. आप आईएलटीएस कर लें, वो कंसीडर होता है और आपके चांसेस हाँ. बढ़ जाते हैं, आईएलटीएस करना इज ऑलवेज बेटर, उसके बगैर भी अप्लाई किया हाँ. जा सकता है। तो या तो वो कहते हैं आईएलटीएस दे दें या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें, तो वो जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे होते हैं वहां से आप एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि मेरी जितनी भी अभी एजुकेशन है वो इंग्लिश है और मुझे इंग्लिश स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम अप्लाई कर देंगे, इन्फॉर्मेशन अपनी डाल देंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जी जी, तो फिर वो कोई पैसे वैसे मांगेंगे? मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ने जी अब रख दिया एडमिशन फी, तो फीस आपको मोस्ट प्रोबेबली पे करनी पड़ेगी और उसका जो रिसिप्ट टाइप होती है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आपको 10 to 12 PKR माइंड में रखें कि होगी या इससे ऊपर की होगी, इससे कम की नहीं, इससे कम की तो नहीं, डेफिनेटली हाँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में फी होती है। गुड क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं भी होंगी फी, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर दिया हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, स्कॉलरशिप का कैसे मिलेगा जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? बेसिकली बीजीएस स्कॉलरशिप जो है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो यूनिवर्सिटीज के थ्रू हो जाता है। मतलब यूनिवर्सिटीज में अगर आप अप्लाई करेंगे वो ऑप्शन दे देंगे आपको, या जब वो कन्फर्मेशन ईमेल करेंगे तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आप बीजीएस हम ऑफर कर रहे हैं आपको। और सीएससी स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, देयर इज अ सेपरेट वेबसाइट जहाँ पे आपने अप्लाई करना होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अप्लाई कर देंगे उसके बाद हमें करना होगा? यस, मोस्टली वेबसाइट्स में वो लोग मांगेंगे आपसे कि अगर आपने अप्लाई सेल्फ पे कर रहे हैं या स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, तो अगर आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप पे तो वो आपसे वो एप्लीकेशन नंबर या फिर कहेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां से आप डाउनलोड करके जो आपने फिल किया हुआ है वो यहाँ पे अटैच कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज ने यूं भी किया हुआ है कि वो पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन दे आस्क यू टू गिव द प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप, लाइक स्कॉलरशिप फॉर्म आप डालें। तो अब आप हमें ये बताएं कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं हाँ. इसका फल क्या है? बीजीएस में होता है जी कैटेगरीज हैं ABC, जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपका फुल ट्यूशन फी माफ होगी, उसमें आपको 1500 RMB पर मंथ मिलेगा। पाकिस्तान PKR में कन्वर्ट करें तो आई थिंक 35,000 के अराउंड होगा वो मिलेगा आपको, लेकिन जो लिविंग अलाउंस है वो बीजीएस में शामिल नहीं होता। फिर आती है जी बी कैटेगरी, उसमें ये है कि स्कॉलरशिप आपका कोई नहीं है, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी ट्यूशन फी वगैरह माफ होगी, लिविंग एक्सपेंस उसमें भी आपको देना पड़ेगा। फिर सी कैटेगरी में है कि आपकी ट्यूशन फी भी हाफ माफ होगी, हाफ ट्यूशन फी भी आपको देनी पड़ेगी, दैट कैन बी मच मोर एक्सपेंसिव। बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, मास्टर्स के भी PhDs भी जो आना चाहते हैं, मैं उनको इतना ही बोलूंगी खासतौर पे लाइक BGS के बारे में मैं बोलूंगी कि अगर आपको फैमिली की सपोर्ट है तो आप लोग आइए, जरूर आइए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और वर्क वीजा पे आप लोग जॉब नहीं कर सकते, ये आप अपने माइंड में, लड़के वहां से माइंड बना के ये आते हैं कि हम चले जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे और हम वहां जाके नौकरी करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे जॉब करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में ये होता है जो यूरोपियन और बाकी कंट्रीज के हैं वहां पे कुछ वर्क आवर्स वो आपको अलाउ करते हैं आपके एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको अलग से इंटर्नशिप वीजा लेना पड़ता है अगर आप, वो आपको बैचलर्स में नहीं मिलेगा, और बैचलर में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर सकोगे, आपकी क्लासेस इतनी होंगी, वर्कलोड होगा, तो बैचलर वाले तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर तो आप उस तरफ जाएंगे तो या तो आप इलीगली काम कर रहे होंगे या आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं कर सकेंगे। और PhDs वाले जो हैं, जो BGS जो मेरे जैसे बेचारे हैं, वो भी मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जैसे मुझे तो असद सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और इतना मुश्किल नहीं हो रहा उस तरह से, लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो प्लीज मत आइए, बहुत ख्वारी हो जाती है।
यस, दैट इज अ सिंसियर ओपिनियन, हमारा मशवरा है जी। आप सीएससी का भी बता दीजिए। सीएससी वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार होते हैं। मास्टर्स में 3000 आरएमबी देते हैं जी, और पीएचडीज को सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस में 3000 कितने बन जाएंगे? अराउंड 65 to 70 डिपेंड करता है, वो ऊपर नीचे होता रहता रेट। और पीएचडीज को 3500 ओनली, जो कि 75-80,000 बनते हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक इतना बनता होगा। और एक डिफरेंस ये है कि सीएससी आपको जितना आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है उसके लिए मिल जाता है। बीजीएस जो है वो हर साल रिन्यू होता है। लाइक फर्स्ट ईयर अगर आप आ गए हैं और आपको वो एक कैटेगरी मिल गई है जिसमें आपको 1500 वो स्टाइपेंड भी देंगे, तो आपका ईयर एंड पे नेक्स्ट ईयर के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। और सेकेंड ईयर में आपके स्टाइपेंड मिलने के चांसेस आपके 15% या 15% से लेस होते हैं। और ये भी बताएं कि सीएससी के लिए आप पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या अकोमोडेशन? नहीं, सीएससी के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है जी। ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड इन द स्कॉलरशिप। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। तो सीएससी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इंशाल्लाह वी हैव अ प्लान कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें वीजा प्रोसेस और फिर चाइना आते वक्त आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है और क्या क्या यहाँ पे इमीडिएटली आप यहाँ पे आके क्या खर्चे होते हैं, उसके हम एक सेपरेट वीडियो बना के वो सारी गाइडलाइन भी हम आपको एक वीडियो हम लोग अपनी जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में भी इंशाल्लाह बनाएंगे इन फ्यूचर। अच्छा, एक और बात कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया हुआ है इस तरह से कपल्स को रहना यहाँ पे, लेकिन हर यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, मतलब कैंपस में रहना। डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स क्योंकि अभी वो सीजन है कि अप्लाई करना है। जहाँ पे आना अगर आपको होगा तो वो अगस्त सितंबर में आएगा, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के उस सीजन में या उस टाइमिंग में हम लोग आपको गाइड कर सकें ताकि वो उस टाइम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सके। सीएससी की जो वेबसाइट है उसमें कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहते हैं। सीएससी की वेबसाइट पे जब जाएंगे आप अप्लाई करने के लिए, तो पहली चीज मैं ये बता दूं कि सीएससी ने लिमिट रखी हुई है। यू कैन अप्लाई ऑन 3 different universities ऑन सीएससी। सीएससी की वेबसाइट में आप जाएंगे अंदर, तो सबसे पहले वहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको कैटेगरी पूछी जाती है और एक एजेंसी नंबर पूछा जाता है। कैटेगरी ये है जी कि वहाँ पे ए बी सी तीन कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। एक ये है कि आप थ्रू यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं सीएससी के लिए, एक ये है कि आप थ्रू एम्बेसी अप्लाई करना चाह रहे हैं जी। आप लोग एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। उसमें ये होता है कि उसमें आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना वो आपने एम्बेसी में सबमिट करवा देने, वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर उस प्रोसेस में ये होता है कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं आई गेस अराउंड 100 or so जो कि सीएससी से लिंक्ड है ना प्रोग्राम से, तो फिर वो लोग खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस सिटी के किस यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। अगर आप कैटेगरी थ्रू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई किया हुआ है तो मुझे उसका बेटर आइडिया, तो वो कैटेगरी बी है आएगा। तो फिर हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है जो कि आपने वहाँ पे पुट करना होगा। तो सीएससी की वेबसाइट में भी सेम डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जो वहाँ पे डालते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। जी, सीएससी की वेबसाइट पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। वहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स भी ऐड करनी होती हैं छोटी मोटी, लाइक किस आप प्रोग्राम में एंटर हो रहे हो और लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी होती है, ये सारी डिटेल्स भी जब आप जाएंगे फॉर्म खोलेंगे तो हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है डॉक्यूमेंट्स में से जो कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो होती हैं रिकमेंडेशन लेटर्स। आप जब यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई कर रहे होते हैं और सीएससी की वेबसाइट्स पे आपको रिकमेंडेशन लेटर्स अटैच करने होते हैं आपके प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह से, तो दो आप लोगों ने लेके उसको फॉर्म में अटैच करना होता है। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है, तो आप मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि कोई स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी एक एज छोटी होती है, दूसरा अगर आपको फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट है तो डेफिनेटली 100 बिस्मिल्लाह जरूर आइए, लेकिन अगर आपको फैमिली की उस तरह से बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है तो प्लीज आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बैचलर्स पाकिस्तान से कीजिए, थोड़ा सा आप मेच्योर भी हो जाएंगे आपको। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एजेंट सिस्टम बहुत चल रहा होता है, जो कि एजेंट्स आपको ये बताएंगे, स्पेशली बैचलर्स के बहुत केसेस हुए हैं, बैचलर्स मास्टर्स वगैरह के, उन लोगों को ये बताया जाता है कि बस यहाँ आ जाओ एक दफा और यहाँ जॉब्स बहुत हैं और इतना पैसा है और ये है वो है, और उनसे कहते हैं कि आप 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख हम आपको और वो एडमिशन कराते भी किसमें, स्कॉलरशिप में। आपको ये बताते हैं कि हम स्कॉलरशिप पे आपको ले आएंगे, कोई मसला नहीं होगा। एंड देन
जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उन लोगों को ये पता चलता है, एंड लिटरली लाइक लास्ट पास्ट 1 or 2 years में मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से केसेस, तो इतना दिल दुखता है इंसान का और इतना वो होता है बिकॉज वो फीलिंग आपकी कि आप वहां से आ जाओ और कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, कितनी फैमिली की होती है और फिर आप इतना हर्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक दिस रैप्स अप टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू इट और इसको मजीद शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा सकें और यहाँ पे अप्लाई करना उनके लिए आसान हो सके। तो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। सी यू गाइस सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।